गाइस, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा कोची कोची प्यार, और हम उम्र वालों को क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। कैसी है मेरी छोटी सी सर्वाइवर फैमिली? मैं एकदम बढ़िया। पिछले व्लॉग में मेरे थर्ड कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई एंड अब लास्ट कीमोथेरेपी की बारी थी। अब तो हॉस्पिटल जैसे लगने लगा कि हमने वहाँ रूम रेंट पर लिया हुआ है, दूसरा घर बन गया जैसे। मैंने सोचा अब आखिरकार फोर्थ कीमोथेरेपी है, जल्द से जल्द हो जाए और मैं घर जाऊँ बस। फोर्थ कीमोथेरेपी हाई डोज में थी, 1 वीक तक का लास्ट कोर्स था दिसंबर मंथ में। मनहूस 2021 का लास्ट मंथ मेरे लिए, तो इस बार हाई डोज था। मुझे याद है इस कीमो के अंदर चक्कर ही आ जाते, जैसे मेरे आंखों के सामने लिटरली अंधेरा ही छा जाता था। अब इन सभी कीमोथेरेपी में फिजिकली बॉडी चेंज तो होती ही है, आंखों की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। सर्दियों में बच्चों के जैसे हाथ फटने लगते हैं, वैसे मेरे पूरी बॉडी में न्यू स्किन आ रही थी, पुरानी वाली जा रही थी। हेयर ग्रो भी होने लगे सर पर, एकदम सॉफ्ट जैसे नए बच्चों के हेयर होते हैं वैसे। इसको ये मान लो कि मेरी सेकंड बर्थ था। आप सबकी दुआओं और आशीर्वाद का ही यह असर है कि आज मैं यह व्लॉग बना रहा हूँ, आपके सामने मैं खड़ा हूँ। इसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। तो फोर्थ कीमोथेरेपी कंप्लीट हुई, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी मुझे, बट अब तक पता था कि प्लेटलेट्स डोनर 1 लास्ट टाइम चाहिए, तो वो भी सब करवा के फ्री हो गया मैं। अब लास्ट 20 दिसंबर को आई थिंक मेरा लास्ट टेस्ट वगैरह करवाने के लिए बोला डॉक्टर ने, एक्सरे सीटी स्कैन बोन मैरो सीबीसी रिपोर्ट सारा करवा के डॉक्टर से मिले हम। हम सब ने डॉक्टर को अप्रिशिएट करा और होना भी चाहिए, वो तो जैसे मेरे लिए फरिश्ता है, ही इज़ लाइक माई एंजल। उन्होंने बोला मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस यार विजय, तू तो हमारे हॉस्पिटल में हीरो निकला, यह उनका बड़प्पन था, आपके बगैर यह पॉसिबल नहीं था। थैंक यू डॉक्टर अंकुर सर, एंड आई ऑल्सो नो आप यह ब्लॉग नहीं सुनोगे। डॉक्टर ने बोला तो विजय लास्ट टाइम करवा दे तेरा पिट लाइन निकलवानी है। मैं और मेरी मॉम यह बात सुनकर खुश थे। आखिरकार पिक लाइन रिमूवल का भी वीडियो बनाया है मेरी मॉम ने, आप जरूर देखना। फिर पापा ने सबको धन्यवाद कहा, डॉक्टर को और मेरी सभी डोनर को। मेरा विश्वास भी भगवान के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों, इस दुनिया में सच में चमत्कार भी होता है, मेरा बचना ही लाइव एग्जांपल है। ऐसा नहीं कि मैं ही हीरो हूँ, केवल मैंने कैंसर को हराया, बट उन 10% में से ज़रूर हूँ। मान गया भाई कैंसर, तू है तो सच में तगड़ा, एक साइलेंट किलर है जिसका पता भी नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक देर हो जाती है। मैं उन सभी डोनर को थैंक यू बोलता हूँ जिनको मैंने कभी नहीं देखा, और उन सभी वेल विशर्स को थैंक यू, और उन सभी ऑफिस में कलीग्स को, दोस्तों को, जो हमेशा बोलते हैं यार जंगल तेरी याद आ रही है। तो सर्वाइवर फैमिली, आज मैं इस टाइम अपने घर रहता हूँ, फर्स्ट 2 मंथ रेस्ट पर हूँ। मेरा बर्थडे घर पर बनाया, आप वो वीडियो देख सकते हो। अभी डॉक्टर ने केवल यह बोला एवरी मंथ ब्लड सैंपल रिपोर्ट मुझे भेजते रहना फॉर 1 ईयर। थैंक यू एवरीवन, आपने मेरे लिए दुआ करी, आपने यह सर्वाइवर कहानी पूरी सुनी। आई होप आपको यह पसंद आया होगा। तो यह लास्ट पार्ट सर्वाइवर कहानी का यहीं ख़त्म होता है।
मैं डेली वीडियोस बनाता रहूँगा, बस आपके प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। सी यू सर्वाइवर फैमिली, मिलते हैं हम हमारे नए व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड एंड खुश रहो, हंसते रहो।